आज हमारे देश ने बप्पी लहरी के रूप में संगीत के एक अनमोल रत्न को खो दिया है। सिने जगत की महान हस्ती डिस्को किंग बप्पी लहरी ने 69 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई के क्रिटिकेयर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उनकी मौत की वजह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बताया है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक तरह का ब्रीदिंग डिसऑर्डर है। इसकी वजह से सोते समय सांस बार बार रुकती और चलती है। इस बीमारी में व्यक्ति की सांस नींद में ही रुक जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। नींद में सांस रुकने की ये दिक्कत कुछ सेकंड से लेकर एक मिनट तक भी हो सकती है। आसान भाषा में समझा जाए तो इस बीमारी से पीड़ित शख्स की मौत अमूमन रात को सोते वक्त ही होती है। इस बीमारी में सोते वक्त मरीज का गला चोक हो जाता है, जिसके चलते फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में सीने की मांसपेशियों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। आज के दौर में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस बीमारी के लक्षण, इसकी वजह और इसका रिस्क फैक्टर जानना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों को सोते वक्त बहुत ज्यादा खर्राटे लेने वाली आदत है, वो जरा संभल जाए, क्योंकि खर्राटे लेना भी इस बीमारी का एक बड़ा लक्षण है। वहीं जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या जिन्हें सुबह के वक्त सिर में दर्द रहता है, उसे भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को दोपहर के वक्त नींद ज्यादा आती है या सोते वक्त मुंह सूखना या सांस रुकने जैसी समस्याएं होती हैं, वो भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। वहीं अगर रिस्क फैक्टर जाने तो उन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है जिनका वजन काफी ज्यादा है। साथ ही जिन पुरुषों की उम्र 60 से 70 के बीच हो, वो भी समय समय पर अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाते रहें, ताकि किसी भी बीमारी का सही वक्त पर पता लगाया जा सके। इसके अलावा जो डायबिटीज या दिल की किसी बीमारी या अस्थमा से ग्रसित हो सकते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा खतरा है। वहीं जिन लोगों को जरूरत से ज्यादा नींद आती है, वो भी इसे नॉर्मली बतलें, बल्कि डॉक्टर से फौरन परामर्श लें, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का वो कभी भी शिकार बन सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि स्कूली बच्चों या कॉलेज में पढ़ने वाले किशोर लेक्चर के वक्त सोए हुए मिलते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा नींद आती है। इससे दो नुकसान होते हैं। पहला ये कि इससे उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है, दूसरा ये कि उनका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का शिकार बनने का रिस्क भी बढ़ जाता है। ऐसे में बहुत ज्यादा नींद लेने वाले लोग सावधान हो जाएं और डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें।